नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एसएसआई 2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जमेंद्र सिंह लड्डू। हरियर क्षेत्र मेला में अगर आप घूमने के लिए आइएगा तो सबसे पहले ध्यान आकर्षित होता है सरकारी चीज़ में। यहाँ का जब दृश्य देखिएगा तो तमाम सरकारी योजना है। सरकार ने एक अच्छी पहल की है। सरकार ने तमाम योजनाओं के बारे में जन जन पहुँचाने का भरसक प्रयास करते हैं ताकि लोग समझे। यहाँ देखिएगा महिला एवं बाल विकास निगम, ग्राम स्वीप मंडप, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, श्रम संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास, राज्य आपदा, ये तमाम चीज़ें सरकारी अपने से। कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो सरकारी योजना में जो लोग को जानकारी नहीं मिलती है, इस मेले के जरिए लोगों को जन जन पहुंचाने की कोशिश में रहती है सरकार। इनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, बधाई के पात्र है कि कम से कम अगर एक जगह अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो कम से कम उनको समझ में आए। यहाँ पर देखिएगा श्रम संसाधन विभाग, और यहाँ भी भीड़ है, तमाम भीड़ें हैं। यहाँ का भी हम आपको दृश्य दिखलाते हैं। यहाँ के बारे में क्या लोग समझाते हैं। ऐसे में छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए, अपनी जॉब ढूंढने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं, उनको बावजूद भी जॉब नहीं मिल पाता है। ऐसे ही हमारे बीच यहाँ पर एक काउंटर है, नियोजन पक्ष, और इस पक्ष के यहाँ जब अगर पीछे जब देखें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सबका नाम दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है कहाँ कहाँ जॉब की वैकेंसी है। लिखाया जाता है NCS पोर्टल से रजिस्ट्रेशन होगा, वो हमारे वेबसाइट पे वो इनरोल हो जाएंगे, उनका डाटा मिलेगा, वो कहीं वैकेंसी जो खाली होगी तो अप्लाई करेंगे, वो नौकरी के लिए चांस दिया जाएगा उनको। लगता है कि चांस रहता है? हाँ हाँ, जब चांस भी और रहेगा सर। धन्यवाद। बिहार कौशल विकास मिशन नियुक्ति प्रशिक्षण तैनाती RTD के तहत यहाँ पर भी खूबसूरत लगा हुआ है, अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम राजीव रंजन कुमार है। हाँ, ये RTD है, इसमें क्या है, नियुक्ति प्रशिक्षण तैनाती, इसमें कैंडिडेट को 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है विथ फूडिंग लॉजिंग के साथ, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण में जैसे ही उनका इनरोलमेंट होता है उसी समय उनको एक नियुक्ति पत्र दी जाती है जो आफ्टर ट्रेनिंग उनकी वहाँ तैनाती की जाती है। तो एक बिहार सरकार के कौशल विकास मिशन के तहत ये बहुत ही बेहतरीन एक योजना है जिसमें लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कुशल युवा कार्यक्रम इसमें है, उसके अलावा डोमेन स्किलिंग होता है, फिर RPL है, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छी है, जिसमें कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा दिया जाता है, डोमेन स्किलिंग के तहत उनको एक्सपर्ट बनाया जाता है, RTD के तहत उनको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे भी बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है लोगों को जागरूकता करने के लिए। इसी हरियर क्षेत्र मेला में यहाँ पर भी काउंटर लगी हुई है बिहार कौशल विकास मिशन का। तमाम जो भी यूथ, खास करके स्टूडेंट्स लोग हैं, इस चीज़ पर भी अगर ध्यान दें तो आगे चलकर आपका भविष्य सुधर। मेरा नाम भारत। क्या समझाते हैं? ये विदेश जाने के लिए है, विदेश में जाने के लिए किन से संपर्क करना रहता है? पहली बात है कि यहाँ पर बहुत सारे जो फर्जी रिक्रूटिंग एजेंट भी यहाँ कार्यरत है, उससे माध्यम से जाने पर आम आदमी को कष्ट होती है। इसके लिए भारत सरकार ने एक वेबसाइट डाल रखा है www.emigrate.in। इस पर जो है सो देश और बिहार के सारे रिक्रूटिंग एजेंट का नाम जो है सो दर्ज किया हुआ है। यहाँ पर काउंसलिंग किया जाता है, साथ क्या क्या सुविधा उनको दी जाती है बताई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रम विभाग ने विदेश जाने के लिए एक अच्छी पहल है। बहुत तरह का फर्जीवाड़ा होता है, उसको रोकने के लिए एक नई पहल की गई है, तमाम लोगों के लिए है। जी हाँ, अवेयरनेस है, यही जनता के अवेयरनेस, जागरूक करने के लिए अवेयरनेस स्कीम चलाई जा रही है ताकि यहाँ के आदमी को कष्ट नहीं हो विदेश जाने के क्रम। मद्य निषेध विभाग में आए हैं, और यहाँ जब हम आते हैं काउंटर में सुना है, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पर अवेयरनेस किया गया है। शराब की जब्ती के बाद यहाँ पर इसको डिस्पोज किया जा रहा है, और सबसे बढ़िया ये चीज़ है, ये देखिएगा उपलब्धि, अप्रैल 2016 से 19 मार्च 2022 तक केस दर्ज 39,000 कितना है जी, आप बताइए सर। 3,92,597। हम गड़बड़ा गए, 3,92,597 क्या हुआ? हाँ, एक केस दर्ज है, देसी शराब जब्त है। पीते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं पीते। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 76,37,638 लीटर देसी शराब जब्त। अच्छा, विदेशी शराब है जब्त। अच्छा,
अब जोड़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ 13 करोड़ 1,35,93,494। हाँ उधर हम ध्यान दे दिए, उधर भी शराब रखी हुई नहीं ध्यान उस क्वार्टर। गिरफ्तारी 4,53,888 की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम चीजें दिखाइए, वाहनों की नीलामी, सजा 1,370 लोगों की सजा हुई है। और यहाँ देखिए शराब पीने की पुष्टि हो रही है, यहाँ पे खोजी अभियान, ये तमाम चीज यहाँ पर आपको दिखलाया गया है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में अभी भी शराबबंदी है, उस पर कड़ाई से पालन करने के लिए इस मेले में भी एक स्टॉल लगाई गई है, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए कुछ और सरकारी योजना पर हम आपको दिखलाते हैं कैसे कार्य हो रही है। महिला एवं बाल विकास निगम में आए हैं हम यहाँ पर, और जब मेले तो आप घूम लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ध्यान जाता है तो वहाँ पर ठहर जाना पड़ता है। यहाँ देखिए बहुत बारीकी से यहाँ पर पेंटिंग किया जा रहा है। क्या नाम हुआ मैडम? विजय प्रभा पांडे। कहाँ से आप आई हैं? मधुबनी से। इसका मार्केट कैसा है मैडम? ठीक है। आप जो बना रही है मधुबनी मिथिला का है, ये बाजार इसका क्या बिहार के अलावा बाहर में भी जाता है? जैसे कि नोएडा भेजे थे, इसके बाद गाजियाबाद गए थे, दिल्ली गए थे, बनारस गए थे, गोरखपुर गए थे, ये सब जगह जाते हैं, पेंटिंग लगवाते हैं, वहाँ बेचते हैं। वहाँ वहाँ मतलब कि मांग है? हाँ मांग है वहाँ। और इस काउंटर पर जब आए हैं तो यहाँ का जब नज़ारा देखिएगा तो ये है,